मुझ में जो नशा है दारू में कहाँ है, रस भरी मैं हूँ रसीले। एक बोतल पी लो कि दुई बोतल पी लो, महुआ हड़िया की यार में तो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम जा रहे हैं कुल्लू वाटरफॉल, जो कि जिला मुख्यालय जसपुर छत्तीसगढ़ से करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत वाटरफॉल जलप्रपात है। आज हम देखने जा रहे हैं, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप लोग को हम कुल्लू वाटरफॉल की सैर कराते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और देख सकते हैं, आज हमारे साथ इतने सारे लोग कुल्लू वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हमारे साथ वीडियो में अंत तक आप भी बने रहिए। अच्छा, ये घर है ना, ये कर्मचारी लोग के ये है ना। यहाँ जो डायनेमो लगा है, बिजली उत्पादन का जो उपकरण लगा है, उसी का मतलब बिजली विभाग के कर्मचारी लोग। और ये डैम हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग, यहाँ से दिख भी रहा होगा पानी, तो सामने जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। कुल्लू डैम, कुल्लू गांव भी है ना, कुल्लू। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही है कुल्लू वाटरफॉल का नज़ारा सामने का, जो कुछ इस प्रकार बना हुआ है। देख सकते हैं सामने जो है बिजली उत्पादन करने का उपकरण लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है, देख सकते हैं मशीन वगैरह लगा है जो भी है। और देख सकते, इधर देख सकते हैं वाटरफॉल होता है इसी साइड लेफ्ट साइड में, जो कि अभी सूखा सूखा पड़ा लग रहा है, जो कि बारिश बहुत कम हुई है, डैम में पानी भी नहीं है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। चूँकि यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं पानी नहीं है, तो वाटरफॉल भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ देखने लायक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे साइड में जो झरना है थोड़ी दूर में, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मोना रील्स बनाने लग जाती है और शर्मा भी जाती है, देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं हमारे साथ आए हुए कुछ लोग पत्तल दोना सी रहे हैं। हम लोग खाने के लिए तो लाए हैं पर दोना पत्री नहीं लाए हैं। और इधर देख सकते हैं कुल्लू वाटरफॉल का नज़ारा पूरा सन्नाटा और सूखा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं इस बार बारिश ही बहुत कम हुआ है, देख सकते हैं। और एकदम निराश करने वाला सीन है ये कुल्लू वाटरफॉल अभी। एक बोतल पी लो कि दुई बोतल पी लो, महुआ हड़िया की यार में तो पी लो। प्यार लिखे नशा चढ़े नहीं बाबा, अरे चढ़े नहीं। लो तो मेरे को चढ़ा दो। मुझ में जो नशा है दारू में कहाँ है, रस भरी मैं हूँ रसीले। एक बार जो पिएगा नाम मेरा लेगा, मैं भी हूँ छले छले। इस प्रकार हम यहाँ पर मौज मस्ती करते हुए नाश्ता करते हैं और नीचे वाली झरना को देखने के लिए चल पड़ते हैं, चूँकि यहाँ का वाटरफॉल में बिल्कुल ही पानी नहीं था। तो दोस्तों हम लोग अभी कुल्लू फॉल देखने आए हैं, कुल्लू वाटरफॉल का निचला जो झरना है, नीचे झरना है उसको देखने आए हैं। ये रोड जाती है, ये रोड कहाँ निकालेगी, बगीचा रोड में निकालेगी ना, ये बगीचा अंबिकापुर रोड निकाल देगी ये रोड।
इधर सीधे मायाली डैम होते हुए मायाली आसपास निकालेगी ये रोड, वही मायाली वाला रोड निकालेगी ये रोड, और ये जाएगी इधर गुल्लू वाटरफॉल होते हुए जसपुर निकालेगी। और अभी हम लोग ये वाला नीचे वाला झरना देखने आए हैं, तो देख सकते हैं ये सीढ़ी है, सीढ़ी बना हुआ है उतरने के लिए। ये है पेरवा घाघ जो कि गुल्लू गांव से नीचे पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह, वाकई यार जबरदस्त लग रहा है। मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर, सच में। तो आया था क्या? नहीं, मैं आया था लेकिन बहुत पहले। हाँ तो हाँ अच्छा, चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये है गुल्लू का, गुल्लू वाटरफॉल का सेकेंड झरना जो कि गुल्लू डैम से नीचे है, कम से कम लगभग 2-3 किलोमीटर गुल्लू डैम से नीचे है ये झरना। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, बहुत ही सुंदर देखने को लग रहा है। तो आप लोग अगर कभी भी गुल्लू वाटरफॉल आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, कहें कि बहुत लोग को पता ये नहीं, ये जो वाला झरना पता नहीं है। लोग गुल्लू वाटरफॉल आते हैं वहीं से डैम के पास से ही वापस चले जाते हैं, लेकिन ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, उससे बहुत बेहतरीन नज़ारा है देख सकते हैं। तो कभी भी आप लोग गुल्लू वाटरफॉल आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आए। ये गुल्लू वाटरफॉल से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे है, आप लोग को गुल्लू गांव पार करके आना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। तो दोस्तों वाकई गुल्लू वाटरफॉल बहुत ही शानदार, बेहतरीन, खूबसूरत वाटरफॉल है। हमने उस शानदार खूबसूरत पल को बेहतरीन तरीके से फील किया, खूब मौज मस्ती मजाक कॉमेडी करने की कोशिश करी जो कि हमारे कैमरे में कैद हो गई। ये एक सरप्राइजिंग वाला मोमेंट था जिसमें हमने जितना हो सके खूब मौज मस्ती मजाक कॉमेडी करने की कोशिश करी। देखने वाले देवियों, सज्जनों और मेरे प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि इसे दिल पर बिल्कुल ना लें। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है गुल्लू वाटरफॉल, और ये देख सकते हैं बिजली उत्पादन का उपकरण लगा हुआ है यहाँ पर,
अंदर घुसने के लिए मना ही है। और देख सकते हैं स्वच्छ विद्युत जल प्रदाय केंद्र, हाइड्रो पावर इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं ये डैम है, गुल्लू वाटरफॉल नीचे है और ये डैम है। और अभी हम लोग गए थे पीछे वाला नीचे वाला झरने में गए, और यहाँ पर अभी नहीं गए थे। देख सकते हैं, देख सकते हैं इधर पानी बहुत कम है, ज़्यादा पानी नहीं है। और देख सकते हैं अभी करीब 5:30 बज गए हैं। हम लोग खूब मस्ती किए हैं, बहुत मज़ा आया है। इस बार इतना बारिश कम हुआ है इसलिए देख सकते पानी भी नहीं है, और इधर झरना भी नहीं है। वो नीचे वाला झरना में थोड़ा सा गिर है तो वो देखने लायक है। कभी आएंगे तो आप लोग नीचे वाला झरना जरूर जाइएगा। और ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा यही है, गुल्लू फॉल ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और ये देख सकते हैं हाइड्रो पावर यहाँ पर लगा हुआ है, बिजली उत्पादन करने का उपकरण। और देखते हैं घर सब है, वहाँ इंजीनियर लोग शायद रहते हैं, और ये है और कर्मचारी लोग रहने का यहाँ पर घर। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर ब्लॉग खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।